माननीय मुख्य अतिथि जी स्वागत किया जाए। कुमार आचार्य सर को श्री महोदय ने 1984 से अध्यापन कार्य में से जुड़े हुए हैं। इंदौर से पीजी करने के बाद डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर से एलएलबी और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। सर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में डीन भी रह चुके हैं। आपकी 6 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं और 5 किताबों में आपने सहयोगी की भूमिका भी निभाई है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में 100 से ज्यादा शोध विषयों पर चर्चा भी की है। विंध्य क्षेत्र के लिए ये गौरव का विषय है कि आप जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कला व संस्कृति के संवाहक एवं शिक्षाविद अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा के कुलपति हैं एवं आपके कुशल मार्गदर्शन पे विश्वविद्यालय नित नए मानक स्थापित करते हुए छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए सतत प्रयासरत है। विश्वविद्यालय से संबद्ध हमारा महाविद्यालय भी छात्रों के शैक्षिक, बौद्धिक एवं नैतिक विकास हेतु प्रतिबद्ध है। आपके आगमन से हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को कौशल विकास से आर्थिक सशक्तिकरण एवं राष्ट्र निर्माण में एक नई दिशा मिलेगी। साथ ही महाविद्यालय के प्राध्यापक भी आपके विचारों से लाभान्वित होंगे। एक बार फिर मैं प्रीति द्विवेदी विंध्य परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा समय न लेते हुए मैं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूँ। अब डॉक्टर आचार्य कुलपति अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, कुलपति शब्द बड़ा महत्वपूर्ण और गहरा शब्द है बेटा। जो विश्वविद्यालय है उसके सारे कर्मचारी, सारे अध्यापक, सारे बच्चे, ये सब मिला के कुल है और उसके मुखिया आज हम लोगों के बीच पधारे हैं। बड़े खुशी का अवसर है और हम सबको उनके ज्ञान से कुछ लोगों की रिक्वेस्ट है कि जब वो बोले तो सिर्फ कानों से नहीं सुनना है, उन शब्दों को अपने अंदर तक ले जाना है, उनको महसूस करना है और फिर उनको रिटेन करना है, आगे चल के उस पर चलने का प्रयास करना है। इसको आप सत्संग की तरह मत सुनिएगा कि जब कुछ सुनने जाते हैं थोड़ी देर के लिए बड़ा अच्छा लगता है और बाहर निकल के फिर उसका जो प्रभाव है एक दो दिन में ख़त्म हो जाता है। सब्जेक्ट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब इस कॉलेज की स्थापना आज से 20 साल पहले हम कर रहे थे तो एक बात जो मैं हर मीटिंग में हमेशा कहता हूँ, हम और एक ऐसे हमारे एक सीनियर थे शिक्षाविद डॉक्टर राजीव दुबे, जिनकी प्रेरणा से हमने ये संस्थान को स्थापित करने का निर्णय लिया था। दो दिन तक हम लोग आपस में बैठ के बात कर रहे थे कि इस संस्था का विजन क्या बनाया जाए, मिशन क्या बनाया जाए, क्यों बना रहे हैं हम ये। और दो दिन के मंथन के बाद हमने 3-4 लाइनें बनाई थी और उनको लिखा था और उन लाइनों को हम लोग हर महीने पढ़ते रहते हैं और वही हमें गाइड करती हैं आज भी कि हमको क्या करना है और किस लिए हमने ये संस्थान खोला था। तो जो हमारे विजन की लाइनें हैं उसमें आखिरी कुछ लाइनें हैं, शुरू की लाइनों में तो यही है कि हमको अपने छात्रों को ट्रांसफॉर्म करना है, उन्हें नॉलेज अच्छी देनी है, उन्हें कॉन्फिडेंट बनाना है, उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाना है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी है। लेकिन आखिरी लाइन आते आते हमने ये सोचा कि हमें कुछ ऐसा भी करना है कि जो बच्चे यहाँ आए उनमें हम ये सेंसिटिविटी पैदा करने का प्रयास करें और जब यहाँ से निकलें तो इतने सेंसिटिव होके जाएं कि सिर्फ अपने लिए न जिए, अपने एनवायरमेंट के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए
और उसके भी ऊपर मानवता के लिए जिए। तो आखिरी लाइन है कि यू वांट देम टू बी सेंसिटिव सोल्स हु आर असेट्स टू देयर फैमिली, देयर सोसाइटी, देयर नेशन एंड देयर ह्यूमैनिटी एट लार्ज। जो आप यहाँ से निकले तो ये हर इकाई सोचे कि ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि ये छात्र हमारे परिवार का मेंबर है, हमारे समाज का मेंबर है, हमारे देश का मेंबर है। यही सब्जेक्ट आज कुलपति साहब ने सेलेक्ट किया है आप लोगों को प्रेरणा देने के लिए कि इस महान देश को आगे ले जाने के लिए आपकी क्या भूमिका है, आज और आगे क्या हो सकती है। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा यंग यूथ लोग हिंदुस्तान में हैं, भारतवर्ष में हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है कि हम विश्व का जो एक पुराना हमारा सपना है सबका कि भारत विश्व गुरु बने, सिर्फ ना ज्ञान के माध्यम से, अर्थ के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से, हर तरीके से अगर हमको सबसे ऊपर पहुंचना है विश्व में तो आपकी भूमिका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। इस पर प्रकाश डालने के लिए और इस पर आगे आपको गाइड करने के लिए आई रिक्वेस्ट वीसी साहब टू प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड कैरी फॉरवर्ड। सौभाग्य है कि मैं एक बुद्धिमान लड़के के बीच अपने विचारों की प्रवाह के लिए आया हूं। बिट्स इंस्टीट्यूशन के हेड मानवर सबनानी जी, यहाँ बैठे हुए सभी प्रबुद्ध प्राध्यापक बंधु, ज्ञान के प्रदाता सभी विद्युत जन और जो मेरे प्रिय बेटे बेटियाँ यहाँ बैठे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन। आप पाठ्यक्रम में बहुत सी चीजें पढ़ते हैं, आज का जो विषय है स्किल डेवलपमेंट पर भी कहीं ना कहीं, जैसा हम सब जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री मनोहर मोदी जी ने गत 2 वर्षों से स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत से प्रयोग शुरू किए हैं। देश शासन स्तर पर भी प्रारंभ हुए हैं, 17 में एक नगर निगम के द्वारा संचालित इंक्यूबेशन सेंटर है। क्या है उसका उद्देश्य, इंक्यूबेशन शब्द कहां से आया, जो मेडिकल साइंस से थोड़ा बहुत पढ़ते होंगे जानते होंगे, ऐसा स्थान जहां उसको जीवन रचना में अपने आप को विकसित करने के लिए दिए जाने वाला अवसर। हम सबके जीवन में रोजगार की उपलब्धता हो, आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन हम अपने अपनी मेहनत से कमा सके, इसके लिए वास्तव में ये कौशल विकास है। लेकिन कौशल विकास के मायने बदल रहे हैं, मायने इन सेंस आप जो डिग्री ले रहे हैं, यदि आप सोचते हैं कि ये डिग्री से आपको सब कुछ मिल जाएगा तो ऐसा होने वाला 2022 और बाद के वर्षों में नहीं है। आपको सोचना पड़ेगा कि इस डिग्री के साथ मेरे पास और क्या है। बहुत लोगों को भोजन में पिज्जा पसंद होगा, हाथ उठाओ जरा, कितने लोगों को पसंद है पिज्जा? हाँ, कितना प्रसन्न मन हो गया, नीचे कर कितना अच्छा लगा शब्द सुन के, वाह क्या स्वादिष्ट है। रोज रोज आपको पिज्जा खाने के लिए दिया जाएगा तब भी क्या हर दिन आपको ये पसंद रह पाएगा, फिर आगे जाके नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है, इसी को समझना चाहिए अपनी डिग्री के आधार पर। आप देश में डिग्रियों का संसार इतना विस्तृत हो गया है कि रोजगार की उपलब्धता और हमारे अंदर की जो क्षमता है उसका विकास वहां से नहीं हो सकता। हमें
अलग से दिखने वाला तत्व तो दिखाई देना चाहिए। खेल जगत में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले अभी ओलंपिक में जितेंद्र और अन्य लोग जीते हैं, ये कहां से आते हैं? यदि आप एनालिसिस करेंगे तो वैश्विक स्तर पर भारत को खेल में बहुत संपन्नता दिलाने वाले युवा कहीं से रहे तो वो केवल दो प्रांत हैं, एक पंजाब और एक हरियाणा। 30% खिलाड़ी, इवन 40% खिलाड़ी वहां से आते हैं। क्यों आते हैं? उनको मौका क्यों मिलता है, बाकी लोगों को क्यों नहीं मिलता? सबसे पहला कारण है वहां का पर्यावरण। हम और आप यहां बैठे हैं, अपने बीच यदि किसी की हाइट 6 फीट है तो हमको लगता है हमारी हाइट बहुत बढ़िया है, एकदम शरीर बलिष्ठ है, मजबूत है। लेकिन यदि आप कभी हरियाणा और पंजाब चले जाएंगे तो वहां औसत हाइट 6 फीट मिलेगी, 6 फीट 2 इंच 3 इंच 5 इंच। महिलाओं की हाइट 6 फीट 6 फीट सामान्य में मिलेगी, लेकिन उनका भोजन कैसा है? आज भी वहां के गांव में 5 बजे जागरण होकर ताजा दूध गाय भैंस का निकालकर उसका ताजा नेनू बनाया जाता है, जो आप अमूल की टिकिया कभी किसी होटल में जाके तंदूरी की रोटी में लगाते हैं ना, वहां उस अमूल को। इसलिए उनके शरीर की जो माने हम यूं कहें कि वो उसका जो जीन्स है वहां का बहुत मजबूत है। तो मजबूत जहां जिस खेल के लिए आवश्यक है वो अपना हुनर दिखा रहे हैं। आप अपना हुनर किस क्षेत्र में लेके चल रहे हैं आपको सोचना है। यहां बैठे बहुत से लोग हैं, अभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनी आ रही है, हम सब उसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं। क्यों उसमें कहा गया एक मेजर सब्जेक्ट होगा, एक माइनर सब्जेक्ट होगा, एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा? अर्थात अब समय बदल रहा है, केवल डिग्री आधारित नहीं तो व्यक्ति के अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर उसके डेवलपमेंट के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। जिनको लगता है बहुत अच्छा गा सकते हैं, जिनको लगता है बहुत अच्छा खिलाड़ी बन सकते हैं, जिनको लगता है बहुत अच्छा कोई विज्ञान का कार्य भी कर सकते हैं, कोई तकनीकी अपना कौशल दिखा सकते हैं, उनको अवसर मिलता है। लेकिन मिलेगा किसे? हम सब लोग अपना आइकन, बहुत से लोग और राष्ट्र भी हमारा विवेकानंद जी का नाम जानता है। विवेकानंद जी ने अपने जीवन में क्या देखा जब वो आपकी आयु के थे? उन्होंने उनके मन में कल्पना आई, क्या कोई ईश्वर नाम का तत्व है इस दुनिया में? ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, पाठ्यक्रमों में नहीं मिलेगा ये विषय। पाठ्यक्रम के इतर जो लोग स्वाध्याय करते हैं, लाइब्रेरी में कहीं अच्छी प्रकार की किताबें ढूंढते हैं, किताबें व्यक्ति को केवल ज्ञान नहीं देती है, बोलना सिखाती है। जिनको लगता है हमको मीडिया में जाना है, अभी से रोज के जीवन में 50 पेज कम से कम सामान्य पुस्तकों के स्वाध्याय के लिए तय कर लीजिए, 2 साल में आप अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे। जिनको लगता है हमें अच्छी नौकरी पाना है, हम IAS और IFS से लेकर और अन्य नौकरी में जाना चाहते हैं, रोज ईमानदारी से 20 मिनट समाचार पत्र और न्यूज़पेपर को पढ़ने की आदत डाल दीजिए, 1 साल में आपके विचार चिंतन में परिवर्तन दिखने लगेगा। आप देश में चल रहे सारी घटनाओं को देख सकेंगे, क्या है लखीमपुरी मामला, क्या है स्टैंप 2, 3, 4, 5, क्या है ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की डेवलपमेंट, राजनीतिक क्षेत्रों में देश में क्या चल रहा है, प्रदेश में क्या चल रहा है, धर्म क्या है, राजनीति क्या है, स्वाभाविक ज्ञान आएगा जिनको लगता है मुझे कुछ करना है। अन्यथा रूटीन है, आपके मदर फादर सक्षम है, उनने फीस दे दी है आपकी, आपको यहां एडमिशन मिल गया है, एक रूटीन लाइफ आपकी स्टार्ट हो गई है। लेकिन ये रूटीन लाइफ क्लॉक वाइज नहीं है, मेरे हिसाब से आज के समय में एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज कौन ला सकता है? आप स्वयं ला सकते हैं, कोई नहीं बता सकता आपको, मेरे कहने से आप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा।
आप तय करेंगे तो निश्चित परिवर्तन आएगा। आपका संकल्प आपको न केवल आपको बढ़िया व्यक्ति बनाएगा, अच्छा रोजगार मूलक अवसर पैदा करेगा, बल्कि विश्व जैसे संस्थान को गौरव प्रदान करेगा। लेकिन तय आपको करना है। मैं बात कर रहा था विवेकानंद के जीवन की, मन में आया कोई ईश्वर नाम की चीज होती है क्या? विवेकानंद उस काल के मनुष्य थे जब यह देश परतंत्र था। कलकत्ता जैसे महानगर की सामाजिक रचना जितनी विकृत और बेकार अवस्था में थी, तत्कालीन समय के साहित्य को जो लोग पढ़ेंगे उनके ध्यान में आएगा। लेकिन उनके मन में संकल्प आया कि कोई ईश्वर है क्या? तो जितने धर्म क्षेत्र से जुड़े लोग मिलते थे, ज्ञान क्षेत्र से जुड़े लोग मिलते थे, उनके सामने वो प्रश्न रखते थे, आपने ईश्वर को देखा है क्या? हर कोई कहता था नहीं, मैंने ईश्वर को नहीं देखा, अनुभूति की है, ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसा वो जवाब मिलता था। फिर एक दिन उनको एक संत मिले जिनको उनके गुरु के नाम से जाना जाता है। कितने लोग यहां बैठे हैं जिनको उनके गुरु का नाम मालूम है? हाथ उठाओ जरा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत असंख्य लोगों को मालूम है। रामकृष्ण परमहंस का हमने नाम सुना होगा, जिनके बारे में कहा जाता है आज भी कलकत्ता में दक्षिणेश्वर में जो देवी का मंदिर है, भगवती की मूर्ति है वहां, एक काली की छोटी सी प्रतिमा है 1.5 फीट की, उससे वो साक्षात बात करते थे, उसको वो साक्षात भोजन कराते थे। हम आज 4G के कल्चर में, 5G के कल्चर में जीने वाले लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो हमारा क्षेत्र नहीं है। मैं कॉमर्स का विद्यार्थी हूं, कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसे कोई मिसाइल कहीं से भी चल के अपने लक्ष्य पर ही गिरती है। यूक्रेन रूस के युद्ध में अपन देख रहे हैं। लेकिन किसी फिजिक्स वाले आदमी से पूछेंगे तो वो कहेगा हाँ ऐसा होता है, सामान्य बात है, इसको किया जा सकता है। तो ये कॉन्फिडेंस, ये विश्वास यदि आप अपने अंदर ला पाए तो अपने जीवन की सार्थकता कर लेंगे। और जो मैं यहां शब्द जिनके लिए मैं आपको याद दिलाने आया हूं, डेवलपमेंट, ठीक है ना, या निशंस, यूथ, स्किल, इस सब के प्रतिमान आप बन सकते हैं। विवेकानंद जी ने कहा जब रामकृष्ण परमहंस के समक्ष पहुंचे, उनके सामने वही प्रश्न किया, तुमने कभी किसी ईश्वर को साक्षात देखा है क्या? रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराते हैं और कहते हैं हां, जैसा मैं तुम्हें देख रहा हूं तुम मुझे देख रहे हो, ऐसा मैंने ईश्वर को देखा है। और फिर बाद में हम जब इतिहास पढ़ते तो ध्यान में आता है कि नरेंद्र नाम का वो बालक जिसके ये हमारा जो दोनों आंखों के बीच का हिस्सा होता है, यहां सहस्त्रार होता है, मनुष्य के शरीर में 6 कुंडलियां होती हैं, तो ये 6ठी कुंडली सहस्त्रार कहलाती, इसको छुआ और उनको जो भावावेश आया, उनको जो शक्ति मिली। हम इलेक्ट्रिक शक्ति को तो मानते हैं, प्लग लगा दिया लाइट जल गई, लेकिन कोई व्यक्ति किसी को छू के कोई शक्ति दे सकता है? इस पे आज हमारा कॉन्फिडेंस कम है। ये हमारी शिक्षा का दोष है, हमारे संस्कारों का दोष है, रोज के जीवन की हमारी दिनचर्या में हमारे चिंतन की कमी का दोष है। हमसे बड़ी पीढ़ी, हमारे माता पिता की पीढ़ी इस विश्वास में बहुत जीती थी। इसलिए यदि 17वीं-18वीं सदी के और आधी 19वीं सदी के भारत का इतिहास आप पढ़ेंगे, धर्मपाल करके एक राइटर हैं जिन्होंने इंग्लैंड से लेके, पुर्तगाल से लेके, फिलिस्तीन से लेके वर्ल्ड के लगभग 3 लाख डॉक्यूमेंट्स का जाके स्वयं अध्ययन किया है। ऐसे धर्मपाल ने 10 पुस्तकों का एक संच लिखा है, पुनरुत्थान परिषद पूना ने उसको छापा है। जिनको रुचि है, 2000 रुपए का था, हो सकता है आप शायद थोड़ा बहुत पढ़ गया हो, मैं 8 साल पुरानी बात कर रहा हूं, जिस भी भाषा में आप चाहते हो, गुजराती में भी है, मराठी में भी है, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, उन्होंने लिखा है भारत कैसा था, अर्थ संपन्न
अन्य भारत था। 1000वीं शताब्दी में भारत का निर्यात व्यापार 36% था, आज किसी देश का 36% नहीं है, कुछ वर्ष पहले तक अमेरिका का था। आर्थिक स्थिति ऐसी थी भारत की, सोने की चिड़िया इस देश को ऐसे नहीं कहा जाता था, लेकिन चाहे सोने की चिड़िया बनाने का विषय हो, चाहे देश को ऊपर ले जाने का विषय हो, केवल और केवल राष्ट्र के युवाओं ने मेहनत की है। और राष्ट्र का युवा जब जागृत होता है तब योगक्षेम भाम्यम का भाव गीता में जो कृष्ण कहते हैं वो दिखाई देता है, और जब वो अपना आईकान अपनी वरिष्ठ पीढ़ी को मानता है तब गीता के उस श्लोक की सार्थकता निकल कर आती है जहां कहा गया है यद्यतः चर्ति चेष्टा तत्त देवो तरो जना सहायक प्रमाणम कृते लोकस्तदनु वर्तते। अर्थात समाज के श्रेष्ठ पुरुषों का जो अनुसरण करता है वह जीवन में वास्तविकता को धारण करता है। दूसरे अर्थ में कह सकते हैं कि समाज में जो अच्छे लोग होते हैं समाज उनका अनुसरण करता है। तो आपने अपना अनुसरणकर्ता किसको बनाया है? यदि क्लास के वो नई कटिंग वाले विद्यार्थी को अकेला बना लिया है वो भी करना बुरा नहीं है, मेरा ये कहना नहीं है, फैशन खूब अपनाइए आप, लेकिन क्या उससे कुछ सीखने को मिल रहा है आपको? आपके जीवन के उत्कर्ष के लिए आपको कुछ प्राप्त हो रहा है क्या उससे? तो उसको अपना आईकान बनाइए, नहीं तो आईकान किसे बनाना है? यद्यता चक्ति चेष्टा तत्त देवो तरोजना में किसको धारण करना है? धारण करिए उन युवाओं को जो वैश्विक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को स्थापित किए। अभी हम चर्चा कर रहे थे सर के साथ कि बिहार के डॉक्टर आनंद का नाम हम सबने सुना है, सुपर 30 चलाते हैं, ठीक है ना? कैसे चला रहे होंगे? कोई ना कोई जीवन का लक्ष्य होगा, वो खुद भी चाहते तो आईएएस बन सकते थे, प्रयास भी किया हो पता नहीं, लेकिन उनने अपने जीवन का लक्ष्य समाज के बीच के उन युवाओं को आगे लाने के बारे में तय किया जिनके पास सब प्रकार के संसाधन नहीं है लेकिन बौद्धिक ज्ञान है। तो आप अपना आईकान यदि कोई बौद्धिक स्तर के अपने साथी को भी बना सकते हैं, अपने गुरु को भी बना सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी निष्ठा अभिव्यक्त होनी चाहिए। निष्ठा अभिव्यक्त होगी तो कौशल विकास के अवसर प्रारंभ हो जाएंगे। संकल्प आपका जब ऐसा होगा जिसमें कोई विकल्प ना हो, यदि संकल्प में विकल्प है तो वो संकल्प की श्रेणी में नहीं आता है। संकल्प केवल भीष्म पितामह जैसा होना चाहिए, इसलिए आज भी भारतीय इतिहास में प्रतिज्ञा के लिए क्या कहा जाता है? भीष्म प्रतिज्ञा। गुरुवंश के लिए प्रति अपने जीवन के समर्पण का भाव उनके संपूर्ण जीवन की निष्ठा को अभिव्यक्त करता रहा। ऐसा हम विचार करें, भारत के बारे में विचार करें। आज हम जिस दिनांक को 21 अप्रैल को यहां बैठे, जिस स्वतंत्रता में, जिस संसाधन में, ये एसी कल्चर में, 1947 के पहले का भारत कैसा था? क्या वो चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी, सुखदेव जी, असफुल्ला खां, अन्य युवा तरुण और तिलक जी से लेके और नेहरू से लेके गांधी तक, इन सब ने अपने जीवन को होम कहां किया? राष्ट्र के लिए किया। इसलिए आज राष्ट्र उनका ऋणी है, इसलिए हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को उनको याद करते हैं। ये देश धन पुरुषों को याद कभी नहीं करता, इस बात को भी आपको ध्यान में लेना पड़ेगा। बहुत सेठी पुत्र हुए, आचार्य चतुर्सेन एक अच्छे राइटर हैं, उनकी एक किताब है
वैशाली की नगर वधु से पढ़िए, बुद्ध के आदर आविर्भाव में भारतीय राज सत्ताएं कैसे चलती थी, समाज रचना कैसी थी, कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी उन्होंने किए। वो कहते हैं ऐसे ऐसे वैशाली राज्य में नगर सेठ थे जिनके तलवों में बाल उग आए थे। तलवों में बाल उगना यानी क्या? पैदल चलते ही नहीं थे, इसलिए तो बाल उगाएंगे ना तलवों में, अन्यथा तलवों में किसी के बाल उग सकते हैं क्या? ऐसा देश भी रहा, लेकिन उन सेठी पुत्रों का कहीं उल्लेख नहीं है। अपनी कला और योग्यता के लिए वैशाली की नगर वधु का उल्लेख है, तो बुद्ध के जीवन का उल्लेख है, तो उस काल में समाज रचना में जिनने समाज के लिए अपना जीवन समर्पित किया उनका उल्लेख है। आपको विचार करना है कि हम अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। केवल आईएएस बनना चाहते हैं, केवल आईएफएस बनना चाहते हैं, केवल करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस चाहते हैं। कोरोना काल की स्मृति याद होगी अभी सभी, कोई धन इन दो सालों में किसी के काम आया क्या? सेकेंड फेज के टाइम तो अस्पताल में जगह नहीं थी, बेड खाली नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, रेमडेबर से इंजेक्शन नहीं था, कोई पावर, कोई पद, कोई राजनीति, कोई सत्ता अस्पताल में एडमिट कराने के लिए कोई शक्ति नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद पूरे वैश्विक स्तर पर जब हम देखते हैं तो सबसे सक्षम यदि कोई राष्ट्र रहा अपनी विचित्र सामाजिक रचना के बावजूद तो भारत रहा। ये गौरव हमको रहना चाहिए, हमारी दिनचर्या, हमारा क्रम, हमारा इम्यूनिटी पावर पूरे वैश्विक स्तर पर मजबूत है, उसको पहचानने की आवश्यकता है। आप पहचान लेंगे तो अपने जीवन में उत्कर्ष पर पहुंचेंगे। परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। पहले युग निर्माण योजना एक स्लोगन निकालती थी, मैं हर जगह कहता हूं, जो कहती है असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया। पूरे मन से जब हम प्रयत्न करेंगे तो हमेशा सफल होंगे। जिन विद्यार्थियों को लगता है कि मैं बहुत पढ़ता हूं लेकिन जब परीक्षा देता हूं तो पता नहीं क्यों और मेरा रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है, और जब रिजल्ट आता है तो हम यही बात अपने दोस्तों को भी बताते हैं, यही बात मदर फादर को कहते हैं, पेपर तो बहुत अच्छा गया था, पता नहीं क्यों फेल हो गया या पता नहीं क्यों कम नंबर मिले हैं। ऐसा कह के हम केवल तात्कालिक रूप से अपने पेरेंट्स के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने अपनी कमजोरी को केवल छुपा रहे हैं। अन्यथा एक प्रसंग सुनाता हूं। सुभाष नाम का एक जबलपुर का तरुण था, 2 साल पहले मैं उसको मिला, परिचित परिवार का था, आईएएस में सिलेक्शन हो गया था। वो कहता है हम आईएएस ज्वाइन नहीं करेंगे। परिवार चिंतित था, बहुत परेशान था, वो भूविज्ञान में उसकी रुचि थी। हमें मैसेज मिला, हम भी गए उसके पास बैठे, बोले अंकल आप तो शिक्षा विभाग के हैं, आप तो कम से कम मत बोलिए कि हम कहीं असफल हो रहे हैं, कहीं सफल हो रहे हैं। हमने कहा इतनी अच्छी नौकरी के बाद और क्या चाहते हो? परिवार मध्यम श्रेणी का था। उसने कहा नहीं, हम भूवैज्ञानिक बनेंगे, ये बात मैं उससे कर रहा हूं जनवरी में। वो कहता है जुलाई में परीक्षा होने वाली है, हम अभी मार्च तक और फ्री घूमेंगे, मस्ती करेंगे, अप्रैल मई जून और आधा जुलाई 3.5 महीने फिर उस परीक्षा का सिलेबस तैयार कर लेंगे, वेल्यूअर को और एग्जामिनर को जहां से पूछना हो पूछता रहे। उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो था मुझे आश्चर्य हुआ। मैं उसको बहुत देर नहीं बोल पाया कि तुम
ये आईएएस की परीक्षा पास होने के बाद इसको छोड़ रहा हूं तो वहां जाने का मन है। वो कहता है मैं कोई ऐसी नौकरी करना नहीं चाहता कि मैं नेताओं के सामने जो 11वीं 12वीं भी पढ़े हो और बिल्कुल भी ना पढ़े हो और चाहे पढ़े हो उनको सैल्यूट करूं, उस जॉब को मैं नहीं करना चाहता। और आपको आश्चर्य होगा उसने परीक्षा दी जुलाई में, नवंबर में उसका रिजल्ट आया, आज वो भाभा रिसर्च सेंटर में जाके जूनियर वैज्ञानिक के रूप में अब काम कर रहा है। ये जो जज्बा है हम में से कितने लोगों के पास होगा सोचना पड़ेगा, लेकिन जिनके पास अपना संकल्प शक्ति है जिसमें कोई विकल्प नहीं है, तय कर लिया कि यही करना है। मैं बात विवेकानंद जी की कर रहा था जब रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जैसा तुम मुझे मैं तुमको देखता हूं नतमस्तक हो गए विवेकानंद, नरेंद्र नाम का बालक उनके चरणों में गिर गया। और हम सब जानते हैं शिकागो वक्तृता में जब वो गए तो केवल उनका प्रारंभिक उद्बोधन जहां सारे यूरोपियन नेशन के विद्वान और धर्मवेत्ता लेडीज एंड जेंटलमैन बोल रहे थे, वो कहते हैं वहां भाई और बहनों, और लगभग 2.5 मिनट तक तालियां बजती नहीं, 5 मिनट तो उनको बोलने का अवसर था। 11 तारीख को दिया हुआ उनका 1967 का हुआ उद्बोधन आज विवेकानंद वक्तता के नाम से विद्युत जनों में अध्ययन का विषय बना रहता है। लेकिन विवेकानंद कैसे थे, जब वो विद्यार्थी थे तो कलकत्ता की लाइब्रेरी में नई लाइब्रेरी ज्वाइन की उन्होंने, सेंट्रल लाइब्रेरी, कभी आप गूगल सर्च करें कलकत्ता की सेंट्रल लाइब्रेरी के बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा विश्व की टॉप 10 लाइब्रेरियों में उसका नाम है। उस लाइब्रेरी में जब वो जाते थे तो शुरुआत में जब उन्हें ज्वाइन किया 10 दिन में उनने 4 किताब 700-800 पेज की निकाली। तो 10वें दिन जो लाइब्रेरियन हेड था उसने बुलाया, बोले तुम ये किताबें ले जाते हो जमा कर जाते हो, काहे के लिए निकालते हो, परेशान कर रहे हो लाइब्रेरी में। तो विवेकानंद जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा नहीं मैं पढ़ता हूं और पढ़ने के बाद वापस करके जाता हूं। तो उस दिन वो जो किताब लाए थे उस किताब का 113 नंबर पेज वो लाइब्रेरियन खुलता है और एक हेडिंग उनको दोहराता है, वो शब्दशः 10 पंक्तियां पढ़ के सुना देते हैं और फिर उस पूरी पुस्तक की समरी में मुख्य मुख्य बातें और आखिरी सेंटेंस क्या है दे देता है। तो वो लाइब्रेरियन अपनी सीट से खड़ा हो जाता है, ऐसी मेमोरी उनकी थी। ये बताने का वक्त, विवेकानंद कोई अलग से आदमी नहीं था, उनकी भी 2 आंखें थी, 2 कान थे, 2 नाक के नथुने थे, मुंह था, हमारे आपके जैसे मनुष्य थे, केवल अपनी एकाग्रता के दम पर वो अपनी मेमोरी को मजबूत करते थे और उस स्मरण शक्ति की मजबूती के दम पर और वैश्विक स्तर पर उन्होंने भारत को रखा। तो हम सब विचार करें हम किस श्रेणी के युवा बनना चाहते हैं। जिनको लगता है, अभी मैं कहूंगा कि कितने लोगों को अपने मम्मी पापा से प्यार है, हाथ उठाओ तो सब उठा देंगे, सब उठाएंगे मुझे मालूम है। लेकिन मित्रों मुझे लगता है आपकी प्यार की परिभाषा शायद कमजोर है। प्यार की परिभाषा का मतलब होता है अपेक्षाओं पर खड़े उतरना। प्यार की परिभाषा का मतलब होता है 100% समर्पण। प्यार की परिभाषा का मतलब होता है जिनके प्रति हमारा स्नेह है, सम्मान है, प्यार है, उनके लिए अपने आप को 100% आत्मीय सिद्ध करना। जिनको लगता है मुझे अपने मम्मी पापा से 100% प्यार है तो सोचे उनने क्या सोचा है आपके लिए।
उनने केवल फीस नहीं दी है मित्रों आपके कॉलेज के लिए, उनके अरमान है मेरा बेटा मेरी बेटी आगे बढ़े, आगे पढ़े, वो कुछ बने। ठीक है, वो जो चाह रहे होंगे वो आप नहीं बनना चाहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन उनके उसके समकक्ष जो वो सोच रहे हैं आप कहीं खड़े दिखाई दें क्या? ये सोचने की बात है। स्किल डेवलपमेंट केवल कौशल विकास केवल अध्ययन अध्यापन से नहीं आ जाएगा, आपके व्यवहारिक जीवन से आएगा। जो अपने माता पिता और अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है, अक्षुण श्रद्धा जिसमें कहीं कोई संदिग्धता नहीं है, कभी जीवन में असफल नहीं हो सकता। नोट कर लीजिए आप, श्रद्धा रखने का लेकिन अर्थ क्या है? उनकी बातों को मानना, अनुशासन में रहना। टीचर ने यदि हमको कहा है कि कल इस सिलेबस को पढ़ के आना है, इसकी तैयारी करके आना है, और हम यदि आ रहे हैं, असफलता कहीं है ही नहीं। पूरा मन चाहिए उसके लिए, उस पूरे मन के लिए आप कितने तैयार रहते हैं। परीक्षा आई तो 20 क्वेश्चन से लेके और VIP में जहां दिमाग लगाया, इसका अर्थ ही है कि हम कमजोर होना शुरू हो रहे हैं। और जो बुक से पढ़ रहे हैं, पुस्तक से पढ़ रहे हैं, सारे यूनिट्स के बारे में ध्यान दे रहे हैं, पूछेंगे। संतोष का उदाहरण सुना है ना हमने आपको, सिलेबस से पूछना है, पूछना चाहिए। जहां से पूछेंगे हम पूरे सिलेबस को घोट डालेंगे, पढ़ डालेंगे। कैसा कॉन्फिडेंस हमारे पास होना चाहिए। भारत के इतिहास के कई नेताओं के नाम और बुद्धिजीवियों के नाम पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि दोनों हाथ से लिखने वाले भी यहां रहे हैं। सब कुछ याद रखने वाले लोग भी यहां रहे हैं। और आध्यात्मिक जगत में थोड़ी ऊपर की सीढ़ी में आप खड़े हो जाएंगे तो भौतिक जगत को छोड़ के पारलौकिक जगत में जीवन जीने वाले लोग आज भी जिंदा है, जिन्हें हम संत महात्मा कहते हैं। धर्म क्षेत्र की रचना में आध्यात्मिक जगत में वो दिखाई देते हैं। तो हमारा विकास क्रम हम कैसा चाहते हैं, और उस विकास क्रम के लिए रोज के जीवन में हमारी दिनचर्या क्या है? कितने विद्यार्थी हैं जिनके घर में या हॉस्टल में पूरे 24 घंटे का टाइम टेबल लगाए? हाथ उठाओ जरा, ईमानदारी से हाथ उठाना यदि किसी का लगा हो तो। टाइम टेबल नहीं लगा है। मैनेजमेंट के कितने लोग बैठे, हाथ उठाओ जरा, मैनेजमेंट से है कुछ? क्या अर्थ है मैनेजमेंट का? अच्छा, इंजीनियरिंग वाले लोगों को बड़ी हंसी आ गई, ये मैनेजमेंट वालों पर कमेंट्स हो गया है ना। दूसरे की न्यूनताओं पर हंसना तो चाहिए, लेकिन हंसी और चेहरे की मुस्कुराहट उतनी होनी चाहिए मित्रों जिससे सामने वाले को कोई कष्ट ना हो, हतोत्साहित ना हो। यदि आपके जीवन का यह लक्ष्य हो जाएगा तो एक नई प्रकार की पॉजिटिविटी, धनात्मकता आप में डेवलप होना शुरू हो जाएगी, विकसित होना शुरू हो जाएगी। नहीं तो बोले वो तो मैनेजमेंट वालों के लिए बोल रहे थे, हमको थोड़ी बोल रहे थे। अरे टाइम मैनेजमेंट में यदि हम नहीं चलेंगे तो जीवन में सफलताएं बहुत कम हो जाने वाली है। अभी युवा संवाद कार्यक्रम हुआ था, शिक्षा अपने मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन जुड़े थे, तुम लोगों में से किसी ने देखा है कि हाथ उठा जरा? आपने नहीं देखा। उनने अपनी दिनचर्या बताई थी, कितने बजे उठते हैं, क्या करते हैं, नेता आदमी है, क्या जरूरत है उनको योग करने की, पैदल चलने की, समय पर ध्यान करने की, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करने की। मोदी के जीवन को यदि आप पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में आ गए, भूल जाइए मोदी को, भूल जाइए शिवराज जी को, भूल जाइए। अंबानी परिवार को देखते हैं आज, अडानी परिवार को देखते हैं आज, आपको पता है मुकेश अंबानी की दिनचर्या कैसे शुरू होती है? 5:30-6 बजे कोई भी स्थिति में बिस्तर छूट जाता है, आधे घंटे फ्रेश और इसमें लग के वो
पैदल चालन करते हैं, योग व्यायाम करते हैं, आधे घंटे भगवान को भी भजते हैं, 8:30 बजे नाश्ते की टेबल के बाद उनकी दिनचर्या का क्रम व्यवसायिक शुरू हो जाता है। हम में से कितने लोग हैं जिनको जिन्हें सूर्योदय रोज देख रहे हैं? 25-40 लोग हैं। बहुत बहुत बधाई आपके लिए, बाकी लोग जरा इनके लिए तालियां बजाइए। यदि सूर्योदय के पहले हम उठ रहे हैं, सूर्योदय को रोज देख रहे हैं, तो हमारे जीवन की सार्थकता है। हम उन 140 करोड़ की आबादी से हटके हम मनुष्य हैं। देश की आबादी आज इतनी है ना, 135-140 करोड़। यदि हम उसका हिस्सा बने रहेंगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, हमको विचार करना पड़ेगा। हम बनना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं? यदि हमको लगता है कुछ बनना है तो 24 घंटे का टाइम आप फिक्स करिए, कितने बजे उठेंगे। यदि सुबह जितने जल्दी उठेंगे आपकी ऊर्जा, आपका दिन उतने जल्दी शुरू होगा। विचार आपको करना है। जो 8 बजे उठते हैं उनको 11 के पहले भूख नहीं लगती, लेकिन जो यदि 5 बजे उठते हैं उनसे पूछो, 7:30 बजे उनका अल्पाहार हो जाता है, नाश्ता हो जाता है। और एक और अंतर है, आप शोध करेंगे यदि शोधार्थी है तो, 10 ऐसे लोग जो सुबह जल्दी उठते हैं उनके नाश्ते के बारे में विचार करेंगे, वो क्या नाश्ता करते हैं। 10 में से आपको 7 लोग पिज्जा खाने वाले नहीं मिलेंगे। कॉमर्स में एक बड़ा नाम है, अकाउंटेंसी पुस्तक लिखी है जिनने, SN शुक्ल जी, ग्वालियर के मूलता थे, कानपुर के नाम से जाने जाते थे। SN शुक्ल साहब को मैंने 1998 में सागर विश्वविद्यालय में सुना, एक रिफ्रेशर कोर्स में। उस समय उनकी आयु 82 साल थी, बहुत कम हाइट थी उनकी, लगभग 5'2" 3" कैप लगाते थे। हम लोग 50 टीचर थे विश्वविद्यालय में। जब गए तो वो कहते हैं बुलाकर कि जाओ, आज की क्लास नहीं लगेगी, आज की छुट्टी। तो 15-20 टीचर बहुत खुश हो गए, तालियां बजाए और बाहर हो गए। हम लोग 8-10 लोग खड़े रहे, लोग क्यों खड़े हो, जाओ, आज की छुट्टी, आज पढ़ाई नहीं होगी, तुम लोग को कुछ नहीं बताना, आज का पीरियड मैंने तुम लोगों के लिए छोड़ दिया। तो हम लोग उनका सर क्यों छोड़ रहे हैं, हम लोगों को ऐसी क्या बात है, आप पढ़ा नहीं रहे, हम लोगों की यहाँ अटेंडेंस वगैरह नहीं लगी या पढ़ाया नहीं कुछ ऐसा। फिर प्रबंधन कहने लगा ये इसका ASC का, तो उन्होंने कहा नहीं, वो मैं इनको बोल दूंगा, चिंता मत करो। हम लोग नहीं सर, हम लोग पढ़ना चाहते हैं। तो वो मुस्कुराते हैं। 2 पीरियड लिया करते थे 1.5 घंटे के, उसमें 20 मिनट का बीच में गैप होता था। वो कहते हैं कि यदि ईमानदारी से तुम लोग पढ़ना चाहते हो, इतने ही लोग 12-13 लोग खड़े थे बस, तो बोले 20 मिनट का गैप नहीं होगा, 3 घंटे हम लगातार पढ़ाएंगे। तो हम लोगों का 3 घंटे सर लगातार पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लगातार बोलेंगे। उनका नहीं, हम पढ़ाएंगे, तुम लोग चलो। जैसा हमको यहां पानी का गिलास रखा है, वहां उनको भी टेबल पे गिलास आ गया, गिलास लगी बकायदा। आप बिलीव करेंगे, 82 साल के आदमी ने लगातार 180 मिनट तक बगैर पानी पिए क्लास दी। और मेरी आवाज भी, क्षमा करें, थोड़ी ज्यादा आपको कानों पर लग रही होगी, ऐसे ही तेज आवाज में उन्होंने 3 घंटे पढ़ाया। बाहर निकले, मैंने उनके चरण छुए, मेरे गुरुजी है उसी विश्वकर्मा जी, उत्तम चंद जी विश्वकर्मा, उनके गुरु थे वो। तो चरण छू के मैंने कहा मैं विश्वकर्मा जी का शिष्य हूँ और उन्होंने आपको प्रणाम कहा है। उस समय मोबाइल वोबाइल होते नहीं थे, तो उनने कहा कि
अच्छा उत्तम कैसे हैं, उनके शिष्य थे वो, उनका सर बढ़िया है, बोले ठीक है जाओ खुश रहो। हमने कहा सर एक जवाब क्वेश्चन है, आपकी आवाज इतनी बुलंद क्यों है? तो उन्होंने कहा कि क्या करोगे जानकर, जाओ तुम लोगों का नहीं है, जाओ नाश्ता करो, समोसा वोसा बन गया होगा खाओ। तो मैंने कहा नहीं सर प्लीज बताएं आप। तो जो सागर विश्वविद्यालय की मैस थी उसमें बूढ़ी अम्मा माँ उसकी देखभाल करती थी, वो कहते हैं जाओ बूढ़ी अम्मा मैस में होगी, उससे पूछना कि मैंने क्या नाश्ता किया था, और जो नाश्ता मैंने किया है वो मैं 40 साल से नाश्ते को कर रहा हूं, इसके अलावा मैंने सुबह का नाश्ता कोई दूसरा किया नहीं कभी, इसलिए मेरी स्टेमिना मेरी आवाज मेरी ताकत बरकरार है। तो आश्चर्य हुआ, ऐसा कौन सा नाश्ता कर रहे हैं सर, कौन से उबले अनाज खा रहे हैं या क्या ले रहे हैं या कांपलान बॉय वाला पी रहे हैं क्या कर रहे हैं, कोरोना काल में सब गायब हो गया था कांपलान बॉय, देखा होगा। तो उनसे जब कहा तो बोले बस यही आदत खराब है, तुम लोग हर चीज का सॉल्यूशन तुरंत चाहते हो, कभी दिमाग को सोचने में नहीं लगाते अपना, जाओ पूछना उससे। जिज्ञासा थी, लंच का टाइम हो गया था, हम लोग आए मैस में, तो बुंदेलखंड खंडी भाषा बोलने वाली वो माँ थी वहां, उससे पूछा कि माँ वो एक छोटे से प्रोफेसर साहब आए आज उनका सुबह नाश्ता, तो वो कहती हाँ भैया दन्नो बनो तो न खाओ तो, दन्ना यानी क्या समझे आप, दलिया, दलिया खाते थे वो रोज 40 साल से, उनका नाश्ता केवल दलिया था, उनकी एनर्जी उनका पावर बिल पावर उनका बॉडी पावर, 82 साल की आयु में 3 घंटे तक लगातार और लेक्चर देने का था बना हुआ था। हम विचार करें नाश्ता हम क्या कर रहे हैं, हमने हरियाणा पंजाब को उदाहरण शुरू में आपको सुनाया था, तो सोचना पड़ेगा केवल पढ़ाई नहीं केवल दिनचर्या नहीं हमारा खान पान भी कैसा है। विवेकानंद कहा करते थे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रह सकता है, शरीर यदि स्वस्थ नहीं है तो मन स्वस्थ नहीं रहेगा। बहुत छोटी छोटी बातों पर हम बहुत जल्दी हेजिटेट हो जाते हैं, हमको जल्दी अस्थिरता आ जाती है, अपने आप को हम कष्ट में पाने लगते हैं, पेशेंस हमारा धैर्य हमारा कमजोर हो जाता है। कभी आपने अपनी माँ को कमजोर होते देखा है घर में, जब आप कहते हो मुझे ये नहीं खाना मुझे ये नहीं चाहिए मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए, माँ सब सुनती है, उतना आपको सुनती है उतना भैया बेटे को सुनती है, सब बेटी को सुनती है, उतने पति को सुनती है, परिवार को सुनती है, तो पेशेंस उसके पास है, इसलिए हम उसे माँ कहते हैं। इसलिए व्यासपीठ पर बैठे महात्मा कहते हैं कि यदि किसी ने साक्षात ईश्वर को नहीं देखा है तो पृथ्वी पर जैसे हम मां कहते हैं उसको देख ले वह ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर का ही अंश। भारत वह देश है, मातृशक्ति के प्रति भारत में यह भावना है, इसलिए हम जब उच्चारण करते हैं तो कभी राम सीता नहीं कहते, सीता राम कहते हैं, गौरी शंकर कहते हैं, लक्ष्मी नारायण कहते हैं, पहले मातृशक्ति को सम्मान है, और मातृशक्ति का सम्मान रखने का जिन युवाओं के मन में अच्छा भाव है, जिनकी नजरों की पवित्रता वहां विद्यमान है, उनको अलग से स्किल डेवलपमेंट के लिए कोशिश नहीं करना है, ईश्वर अपने आप शक्तियां देगा। लेकिन विचार आपको करना है, हम कहां खड़े हैं, अपने जीवन को हम कैसा चला रहे हैं, गार्गी गौरी पार्वती ये वो मातृशक्तियां हैं भारत की, जिनने इतिहास को भारती शंकराचार्य जी का इतिहास जिनने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, जब मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ के लिए जाते हैं तो मंडन मिश्र की पत्नी को
निर्णायक बना के बिठाते हैं भारती को। न्याय पर चलने वाला ये वो देश है। हिंसान नामक यात्री का भारत में इतिहास है, पढ़िए उसको, हिंसान की डायरी से। बहुत पुराना किस्सा नहीं है, 2200 साल पुराना किस्सा है। इंसान जब भारत आया, भारतीय समाज कैसा चरित्रवान था, इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण आपको बता रहा हूं। एक गांव के नजदीक से गुजर रहा था, पगडंडी में सूर्य की रोशनी में उसको कुछ चमकता हुआ कुछ दिखाई दिया। ये क्या चमक रहा है, आंखों को बार बार चुभ रहा था। देखते हुए आगे बढ़ा, सामने कुआं था, प्यास लगी थी, पानी के लिए रुका। कुछ भगनियां माताएं वहां पानी भर रही थी। उसने कहा कि प्यास लगी है, जल पिला दें। तो पानी पिया और पूछा एक महिला से कि वो रास्ते में क्या पड़ा हुआ है। तो गांव की वो अनपढ़ महिला उससे कहती है, क्या किसी दूसरे देश से आए हो? यानी भारत के गांव की महिला भी ये समझ जाती थी कि प्रश्न करने वाला आदमी उसका स्वभाव और चरित्र ऐसा है जो इस देश का नहीं है। सामाजिक समझ वैसी थी। फिर वो मुस्कुराकर कहती है, हमारे किसी साथी भगनी का महिला का हाथ का कंगन गिर गया है, गलती से, चांदी का कंगन है, वो पड़ा हुआ है, जब उसको याद आएगा वो ढूंढने निकलेगी, अपना कंगन उठा के ले जाएगी। ऐसा चरित्र भारत का था। आज के भ्रष्टाचार के युग में हम उस चरित्र की संकल्पना कर सकते हैं क्या? सामान्य में आप कहेंगे नहीं कर सकते। लेकिन मेरा कहना है, यदि आपके चश्मे ठीक हैं, देखने की दृष्टि ठीक है, आज भी ऐसे व्यक्ति मिलेंगे, खोजना पड़ेंगे, बहुतायत में नहीं मिलेंगे। तो हम क्या सोचते हैं, हम कैसा मनुष्य बनना चाहते हैं? भ्रष्टाचार युक्त धन की कमाई से अपने माता पिता के बुढ़ापे में उनको कुछ खिलाना पिलाना चाहते हैं कि अपने खून पसीने की कमाई से? जापान जैसा राष्ट्र जहां हिरोशिमा नागासाकी जैसे बम परमाणु गिरे हैं, आज यूक्रेन रूस में वही दुर्गति दिखाई दे रही है। राष्ट्र कैसे आज विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा है? वहां के युवा ने ये तय किया, हमें अपने देश को आगे लाना है। जापान के दो युवा, मैं नाम भूल रहा हूं अमेरिकी राष्ट्रपति का, तत्कालीन राष्ट्रपति, वो भी विद्यार्थी थे। जापान के दो विद्यार्थी अमेरिका पढ़ने गए थे, अपने साथ वो जापानी पेंसिल रखते थे जो उस समय उतनी बढ़िया क्वालिटी की नहीं थी। तो शायद रूजवेल्ट का किस्सा है, मुझे बहुत याद नहीं आ रहा, अभी पुराना रहम हो गया पढ़े उसको। तो वो कहते हैं कि तुम लोग ये क्या पेंसिल रखे हो, सस्ती और अच्छी क्वालिटी की पेंसिल है, इसको लो। उनमें से एक विद्यार्थी कहता है, नहीं, ये मेरे राष्ट्र की पेंसिल है, थोड़ी कमजोर होगी, थोड़ी लिखने में बार बार टूट रही है, उसको निब बनाने में कठिनाई हो रही है, लेकिन हम इसे ही यूज करेंगे क्योंकि हमारे देश का प्रोडक्ट है। स्वदेशी के प्रति हमारी धारणा आज कैसी है? हमारे देश का माल है, हम इसे उपयोग करेंगे, ऐसा कभी सोचते हैं हम क्या? अपवाद में सोचते हैं, औसत लोग नहीं सोचते। ऐसा सोचेंगे तो भारत की जीडीपी जो आज दिखाई दे रही है उसको बदलने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। 5 साल में हम वैश्विक स्तर के टॉपेस्ट नेशन की सीढ़ी में आ जाएंगे। आज उपभोग के रूप में भारत इतनी वस्तुओं का उपभोग करता है, यदि भारतीय प्रोडक्ट को ही भारतीय 100% यूज करने लगे तो जो आयात का प्रतिशत है ये घट के दशमलव में आ जाएगा। निर्यात तो बढ़ रहा है हमारा, हम आर्थिक रूप से समृद्ध भी हो रहे हैं, 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में आप देश को जाना जाने लगा है। आज हम कितने सक्षम हैं आप नहीं सोच सकते। 20,000 विद्यार्थियों को लेकर यूक्रेन से भारत वापस लाया है हमारा देश, छोटी घटना नहीं है ये।
आज हमारे देश के किसी राजनायक को, किसी नागरिक को विश्व के किसी राष्ट्र में यदि कानूनन सहायता नहीं मिलती है और भारत का प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार उस पर अंगुली उठाती है तो उस देश को सोचना पड़ता है। यूक्रेन और रूस के युद्ध में भारत तटस्थ रहा है। भारत के लिए तटस्थ रहना कठिन काम था, लेकिन वर्तमान में भारत आज जिस अवस्था में है, मजबूती की अवस्था है, उस मजबूती की अवस्था में हम कहां सहयोग कर रहे हैं, ये हमारे विचार का विषय है। राम सेतु का नाम सुना होगा। भगवान राम ने जब लंका पर चढ़ाई की थी सीता मां को बचाने के लिए, तो नलनील जैसे वैज्ञानिक पत्थर तैरा रहे थे समुद्र पर पुल बनाने के लिए। एक छोटी सी गिलहरी भी और जाती थी पानी में, शरीर को गीला करती थी और रेत कणों को लेके जाके उन पत्थरों के बीच छिड़कती थी, लौटती थी। ये श्रम राम भी देख रहे थे। इसने से उन्होंने उसको उठाया और प्यार से हाथ फेरा उसकी पीठ पर। ये कहानी क्या कह रही है? नलनील अपने सामर्थ्य से काम कर रहे थे और एक छोटी सी गिलहरी अपने सामर्थ्य से काम कर रही थी। हमारा जितना सामर्थ्य है हम कहां सहयोग कर सकते हैं? आपको लगता है आपकी क्लास का कोई विद्यार्थी आपके साथ जो पढ़ता है कहीं कमजोर है, उसको क्या सहायता आप कर सकते हो? पढ़ाने में, ड्रेस देने में, काफी पुस्तकें अवेलेबल कराने में आप करा रहे हैं, तो आप राष्ट्र का काम कर रहे हैं। यह आपका इंस्टीट्यूशन है। इस इंस्टीट्यूशन में एक बटन भी चालू बंद होने वाली टूटे ना मेरे हाथों से। टेबल और डेस्क यहां की जिंदा रहे, सारा संसाधन और परिवेश हमारा जिंदा रहे। बाहर की हरियाली में हम बगीचे में खड़े होकर आपस में बातचीत करने में पौधों के पत्तों को तोड़ मरोड़ नहीं रहे हैं, यह भी राष्ट्र सेवा है। विचार आपको करना पड़ेगा। यह इंस्टीट्यूशन के प्रति, गुरु तत्व के प्रति हमारा संकल्प हो, कोई नुकसान हम नहीं करेंगे अपने इंस्टीट्यूशन का। हो सकता है आप किन्हीं बातों से सहमत ना हो, विरोध करना है, विरोध के 200 प्रकार है। गांधी ने तो उसी विरोध के बल पर देश को खड़ा किया ना, अहिंसा के माध्यम से राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए। तो हम कैसा सोच रहे हैं? युवाओं की भूमिका ऐसी होनी चाहिए, सबके ध्यान में होगा। वैश्विक स्तर पर अकेला भारत आज एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी सर्वाधिक आबादी युवा है, और उसी सर्वाधिक आबादी के कारण और हमारी, चाहे हम सकल घरेलू उत्पाद की बात करें, चाहे अन्य अन्य आयात निर्यात की बात करें, सब में हम आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना जैसी विषम परिस्थितियों के बावजूद आज हम अपनी जीडीपी को और कर प्रणाली को मजबूत देख रहे हैं, तो केवल युवाओं की दम पर देख रहे हैं। सरकार ने कहीं मेकअप इंडिया, तो स्टार्टअप इंडिया, तो कई प्रकार के प्रयोग शुरू किए हैं। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने युवा संवाद के समय घोषणा की ना कि हम अपने प्रदेश में नए नए और रोजगार उपलब्ध करेंगे। नौकरी प्राप्त करना नहीं, हम ऐसे बनेंगे कि कईयों को नौकरी देंगे, उद्योग स्थापित करेंगे। यह व्यू हमारा बढ़ना चाहिए, बदलना चाहिए, बनना चाहिए, बनेगा तो हम सफल होंगे। मुझे लगता है कि बहुत देर से हमारे युवा साथी यहां हाल में बैठे हैं। बहुत सी बातें मैंने कही, व्यक्तिगत जीवन में आपको क्या करना चाहिए इस पर भी कुछ बिंदु ध्यान में लाए हैं। परिवार जीवन के लिए हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, माता पिता गुरु के प्रति हमारे सम्मान की क्या स्थिति है, यह भी आपके ध्यान में लाए हैं। समाज और राष्ट्र के लिए भी हमारे जीवन की कोई जिम्मेदारियां हैं क्या, इसकी अनुभूति भी हमने कुछ उदाहरणों से सुनी है। इस पर हम कैसे अमल कर सकते हैं, अपने जीवन को कैसे अच्छा बना सकते हैं, स्वाध्याय करने के प्रति हमारा मन कैसे बढ़ सकता है, जीवन रचना को
रोज के जीवन में आनंदमय बनाने के लिए हर चीज को अपने साथ पॉजिटिविटी के साथ कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इन सब पर आप विचार करेंगे तो मुझे लगता है जो हम बात कर रहे हैं रूल ऑफ यूथ एंड नेशंस डेवलपमेंट की, वो अपने आप होगा, अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अप्त दीपो भवा, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके कल्याण का भाव यदि हमारे जीवन का ध्येय रहेगा, जिस ईश्वर को आप मानते हैं, जिस समाज में आप रहते हैं, जिस राष्ट्र में आप शासन लेते हैं, उसके जीवन क्रम को हम पल्लवित पोषित करने के हिस्से बनेंगे गिलहरी की नाई, ऐसी कामना करते हुए आप सबने अपना अमूल्य समय कुछ बातों को सुनने के लिए मुझे दिया। मैं आपके हृदयों में बैठे उस परमात्मा के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि युवा जो है वो राष्ट्र निर्माण के लिए है, तो युवाओं के निर्माण में बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपने एकाग्रता, डिसिप्लिन और अध्यात्म को भी जोड़ा और बहुत ही शानदार तरीके से हमारे युवाओं को निश्चित ही प्रेरित किया। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे जिस एनर्जी के साथ, जिस ऊर्जा के साथ आज कुलपति जी ने यहाँ पर अपना उद्घोषण दिया है, उसी ऊर्जा के साथ आप लोग भी देखिए, सब कुछ जरूरी है कि आप क्या सोचते हैं। हम लोग बिलीव की बात करते हैं, हम लोग धारणाओं की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा ये पहलू रखा सर ने कि पहले आपको खुद के बारे में सोचना होगा और उसके बाद फिर आप लोग देखिए कि हम छोटे से छोटे जो गिलहरी का एग्जांपल दिया सर ने, जी हाँ निश्चित ही नल और नील ने बड़े बड़े पत्थरों को समुद्र में एक साथ जोड़ करके पुल का निर्माण किया, लेकिन गिलहरी वो बड़ा पत्थर नहीं उठा सकती थी, तो उसका रोल वहां पर जो डिफाइंड है वही रोल यूक्रेन और रशिया के माध्यम से, जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि यूक्रेन और रशिया के जो युद्ध हो रहा है उसमें हम युवा क्या कर सकते हैं, तो उस युद्ध में आपको कुछ नहीं करना, पर उस युद्ध के लायक हमारे देश को बनाने में आपका बहुत अहम रोल है। तो मैं यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से करना चाहूंगा। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्राचार्य विद्या इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस KP त्रिपाठी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और मुख्य अतिथि महोदय के आभार व्यक्त करें। माननीय KP त्रिपाठी जी, जोरदार ताली बजाएं। धन्यवाद सर। कुछ ख्वाहिशें नहीं है जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतर हो। अभी हम सुन रहे थे माननीय कुलपति महोदय अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी डॉक्टर राजकुमार आचार्य सर को। मैं निशब्द हूँ कि सर आपके आभार में मैं क्या कहूँ, क्योंकि आपने शिक्षा के हर एक आयाम को जीवन दर्शन से जोड़ा, स्वामी विवेकानंद के बारे में आपने बताया, तो मैं निशब्द हूँ कि कैसे आपका आभार व्यक्त करूँ। बस मैं आपसे यही विनम्र निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से आज आपने हमारे महाविद्यालय के छात्रों का मार्गदर्शन बढ़ाया, ठीक उसी प्रकार से आगे भी हमारे बच्चों को आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। आपने अपने व्यस्ततम समय से कुछ समय निकालकर हमारे छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ माननीय कुलपति महोदय का कि हमारे बच्चों को अपने शब्दों से मार्गदर्शन किया, गौरवान्वित किया। पुनः मैं हमारे संस्था के चेयरमैन व हमारे प्रेरणा स्रोत श्री सुनील सेनानी सर का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि हमेशा से उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहा, और न केवल हमारा महाविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि हमारे छात्रों को जीवन जीने की कला के बारे में भी सिखा रहा है। धन्यवाद सर। मैं आभारी हूँ हमारे बिट्स प्राचार्य डॉक्टर PK शुक्ला सर, VIMR एकेडमिक डीन डॉक्टर बीरेन सिंह सर का, VIMR वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर प्रीति द्विवेदी मैडम का, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी अखिल प्रताप सिंह सर का, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट हेड प्रोफेसर प्रमोद पांडे सर का, और मेरे सहयोगी प्राध्यापक संकल्प शुक्ला सर व यहाँ बैठे सभी प्राध्यापकों का, बिट्स प्राचार्य डॉक्टर राकेश तिवारी सर का, कि आपका हमेशा से मार्गदर्शन मिलता रहा ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन में। और
फाइनली मैं यहाँ पर बैठे हमारे प्यारे छात्रों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि हमारे माननीय महोदय के शब्दों को आपने बड़ी ही आत्मीयता के साथ सुना, उन्हें आत्मसात किया। और मैं सर आशा दिलाता हूँ कि हमारे बच्चे राष्ट्र निर्माण में कभी भी अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होंगे। और जब आप अगली बार यहाँ हमारे महाविद्यालय में पधारेंगे तो आपको एक नई ऊर्जा और नए आयाम शिक्षा के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। प्राचार्य पीके शुक्ला सर को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वो आज के हमारे मुख्य अतिथि को शॉल और श्रीफल भेंट कर आज के कार्यक्रम को समापन। साथ ही विद्यार्थियों